नमस्कार, वरुण पांडे नाम है हमारा। आप देख रहे हैं जॉनबेरी का संकलन खनन। शो का शुरुआत कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली ये वैश्विक महामारी COVID-19 के चलते मैं भी इन्फेक्टेड था और बहुत सारे करीबी लोगों को होता हुआ देखा मैंने, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ही करीबी लोग, बहुत जानने वाले आस पड़ोस के लोग, और हेल्पलेस फील कर रहे थे सभी लोग, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं काफ़ी खुद से भी इन्फेक्टेड था, तो उससे उभरने में भी काफ़ी टाइम लगा। तो क्षमा प्रार्थी हूँ डिले वीडियोस के लिए, बट अब से कंटिन्यू वीडियोस आएंगे। और अब से जो शुरुआत होगी वो बेसिकली हम लोग सबसे ज़्यादा जो अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने कि पिछले एपिसोड में मैंने देखा कि हमारा लास्ट एपिसोड फिनिश हुआ था ग्रिजली फीडर के ऊपर, तो इस एपिसोड से मेरा ध्यान रहेगा कि मैं जॉ क्रशर के बारे में लगातार 5-6 एपिसोड्स बनाऊंगा, जिससे जॉ क्रशर से रिलेटेड कैसे चलता है, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, किस किस पार्ट्स का क्या क्या नाम है, उनका क्या क्या उपयोग है, और इस चीज़ों को लेके एक बेसिक स्टार्टअप लेंगे। आज का एपिसोड ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे इच्छा नहीं हो रही है। बट आज हम लोग स्टार्टिंग में ये डिस्कस करेंगे कि जॉ क्रशर लेने वक्त या बेचने वक्त या खरीदने वक्त किस तरह से उसका मेजरमेंट किया जाता है, और जो साइजेस लोग बोलते हैं 32-42 है, 9-42 है, 44-32 है, इंग्लिश में अगर बोलूँ तो 44-34 है, 44-32 बोलते हैं, 9-42 बोलते हैं, 9-36 बोलते हैं लोग, तो उसकी क्या मीनिंग होती है और इसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं, इससे स्टार्ट करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में जो हम लोग डिस्कस करेंगे OSS क्या होता है, CSS क्या होता है, और अलग अलग सेटिंग्स क्या क्या होती हैं, निप एंगल किसको बोलते हैं, और भी सारी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं जॉ क्रशर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो आइए शुरू करते हैं। मशीन फॉर क्रशिंग स्टोन, जी हाँ, सबसे पहले इसी नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था। उस समय जॉ क्रशर को जॉ क्रशर नहीं बोला जाता था, और सेम इसी वर्ड के अनुसार इसका पेटेंट किया गया था। US पेटेंट 20542 नंबर था, और इसका आविष्कार किया था सन 1858 में एली विटनी ब्लेक नाम के एक वैज्ञानिक थे US के। 15 जून शायद दिन डेट था, 15 जून 1858 में इसका आविष्कार हुआ था, और सबसे पहले तभी इसका रजिस्ट्रेशन माना जाता है या फिर उसका शुरुआत माना जाता है ऑन पेपर। उस समय इसका नाम बोला जाता था मशीन फॉर क्रशिंग स्टोन, इसी नाम से इसको पेटेंट किया गया था। बाद में धीरे धीरे इसको जॉ क्रशर बोला जाने लगा, बिकॉज उसका जो कार्य पद्धति थी और जो टेक्निक थी वो बिल्कुल हमारे जबड़े जैसी थी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसलिए इसका नाम जॉ क्रशर रखा, क्योंकि हमारे मुंह को भी जबड़े को भी जॉ ही बोला जाता है। तो जैसे फिक्स और मूविंग हम लोग बोलते हैं जॉ में भी, तो इसमें भी फिक्स और मूविंग होता है, जैसे हमारे नीचे का जबड़ा हिलता है ऊपर का नहीं हिलता है, तो इसीलिए इसको भी बाद में जाके जॉ क्रशर बोला जाने लगा। तो ये इसका एक बेसिक शुरुआत हुआ US पेटेंट के अनुसार सन 1858 में एली विटनी ब्लेक के द्वारा। तो ये इसका शुरुआत है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। एक्चुअली इसके पहले कुछ एपिसोड्स पहले में मैंने इसके सिद्धांत के ऊपर सारी वीडियोस बनाई हैं। तो जॉ क्रशर बेसिकली कंप्रेशन का ही सिद्धांत लेता है, दबाव के सिद्धांत पे काम करता है, और इसी सिद्धांत को लेके आगे बढ़ता है। पत्थर जो होता है उसके बीच में आता है, और दो आप बोल सकते हैं दो प्लेट्स होते हैं या जबड़े बोल लीजिए, जैसा भी अभी आपको समझ में आए वो बोल लीजिए, एक फिक्स होता है और एक मूविंग होता है। फिक्स वाला जो होता है वो स्थिर रहता है, और मूविंग जॉ जो होता है वो फिक्स जॉ की तरफ चोट पहुंचाता है। ये एक वी आकार का मशीन होता है जिसके बीच में पत्थर आता है और उछल के या फिर कंप्रेस करके या फिर दबा के उसको तोड़ा जाता है। तो ये इसका बेसिक सिद्धांत है काम करने का। अब आ जाते हैं इस सवाल पे कि जॉ क्रशर का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। वैश्विक रूप से वर्ल्ड में कहीं भी अगर आप जाएंगे तो मोस्टली 99.9% जगहों पे आपको जॉ का जो ऊपर का एरिया रहता है उसके मेजरमेंट से ही जॉ क्रशर का साइज या फिर सेलिंग, परचेजिंग या फिर एक्सप्लेनेशन या सारी चीज़ें उसी के आधार पे ही की जाती हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लेता हूँ कि
कि मैंने आपको बोला 44-34 तो यहाँ पे एक फोटो एनिमेशन के द्वारा भी मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने के लिए कि 44-34 मतलब हो गया 44 चौड़ाई होगी मशीन की और 34 लंबाई हो गई उस मशीन की, तो 44-34 उसका साइज हो गया। अगर मैं 9-42 जैसे ग्रैनुलेटर या सेकेंडरी जॉ की भी बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग बोलते 9-42 या 6-36 ठीक है, तो 9x36 या फिर 9x42 तो उसका मेजरमेंट भी इसी आधार पे होगा कि 42 इसकी चौड़ाई हो जाती है, 9 इंच उसकी लंबाई हो जाती है। बहुत सारी जगहों पे इसको mm में भी बोलते हैं लोग, तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 25 mm का एक इंच हम लोग कंसिडर करते हैं। तो आप भी इसी थ्योरी पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं 44-34 बोल रहा हूँ आपसे तो 44x25 और 34x25 तो आपको mm में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पर भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 1100x800 या 1100x840 बोलते हैं, तो इसको आप सेम 25 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको इंच में कन्वर्ट हो जाएगा कि वो जॉ क्रशर कितना बड़ा है। सेम इसी तरह से ही जॉ क्रशर का मैक्सिमम जो मेजरमेंट लिया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड वो उसके ऊपर की ओपनिंग के आधार पर ही लिया जाता है। आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं कोशिश करूंगा, एक तो हिस्ट्री ऑफ क्रशर, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक एपिसोड बना रखा था बट मुझे कुछ डाउट्स हुए उसके नॉलेज या फिर उसके कंटेंट्स के बारे में, इसलिए मैंने उस एपिसोड्स को अभी ऑन एयर नहीं किया है। तो कुछ रिसर्च करके उसको फिर मैं ऑन एयर करूंगा, हिस्ट्री ऑफ स्टोन क्रशर पूरे हिस्ट्री के बारे में कि जॉ क्रशर का क्या इतिहास था, कोन का, स्क्रीन का और भी सारी मशीनों का जो भी जॉ क्रशर से रिलेट करते हैं या फिर क्रशिंग इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं उन मशीन्स के बारे में और भी मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ और पक्का आप लोगों के संग साझा करूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आज के लिए और आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, अगर आप यहाँ तक एपिसोड देख चुके हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के संग शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। और एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है कि आप बहुत बेसिक से बता रहे हैं हमें, तो इसका रीज़न ये है कि मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि मैं नए लोगों को भी चाहता हूँ जो क्रशिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको भी इनवाइट करना या फिर आप बोल सकते हो उनको नॉलेज गेन हो, इसके लिए भी बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप ऑलरेडी अगर क्रशर चलाते हैं आपको ये सारी चीज़ें पता है जो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है जो थोड़ा क्रिटिकल फील हो रहा है आपको कि हाँ मेरे को ये सवाल के जवाब चाहिए तो आप बिल्कुल फील फ्री करिए, नंबर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे, आप फ़ोन करिए सबसे अच्छा हो, आप व्हाट्सएप करिए, आप वॉइस मैसेज मुझे सेंड करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको पक्का उसका जवाब सेम डे आपको मिल जाएगा जो भी आपके क्वेश्चंस हो। तो आपको कुछ भी सवाल पूछना है क्रशर इंडस्ट्री से रिलेटेड आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप कर दिए मुझे, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा जो भी आपको पूछना हो। तो ये मत समझिए कि हाँ बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। और रही बात कि मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूँ बट हाँ कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कुछ सवाल आपसे सीखता हूँ, कुछ जवाब आपसे सीखता हूँ, कुछ चीज़ें और अपने दोस्तों से सीखता हूँ, तो जो भी ज्ञान है उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इसी के साथ मैं आज के लिए अलविदा चाहूँगा, नमस्कार।